वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे द डेट इज 25 मई 2020। द असाइनमेंट नंबर इज 28। डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंप्लीट क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री बुक। प्यारे बच्चों, सप्लीमेंट्री बुक का जो हमने फर्स्ट पार्ट रीड किया था उसके क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे। आपने उस लेसन को, उस पार्ट को अच्छे से रीड कर लिया होगा। अगर किया है तो आप इनके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, आप अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपने ये लेसन रीड किया है, क्या वो क्वेश्चन आपको आता था, और नहीं आता था तो उसमें क्या कमियाँ रह गई। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, What task do you think were assigned to the dog and the ox? कौन सा कार्य डॉग को और ऑक्स को सौंपा गया, क्या करने के लिए उन्हें यानी कि काम दिया गया? तो आंसर है इसका, द डॉग वॉज असाइंड टू फैच एंड कैरी थिंग्स। जो डॉग है उसको कार्य सौंपा गया वस्तुओं को ले जाने के लिए। एंड द ऑक्स वॉज असाइंड, और ऑक्स को जो सौंपा गया जो काम था वो था द टास्क ऑफ प्लोइंग द लैंड, खेतों को जोतने का जो कार्य था वो उसे सौंपा गया, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले। वाई डिड द कैमल लीव इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट। सेकेंड क्वेश्चन है कि जो कैमल है वो डेजर्ट के मिडल में क्यों रहता है, वो मिडल में क्यों रहता है वो आप जानते हैं। इसका आंसर है, द कैमल लीव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं जानता या वो काम नहीं करता था, नहीं चाहता था काम करना, और हमेशा केवल एक ही बात वो कहता था। जब भी कोई उसे काम करने के लिए कहता तो वो क्या कहता था, हम वो कहता था। और ही एट स्टिक्स थॉर्न्स एंड पिकल्स, और वह केवल स्टिक्स और थॉर्न्स यानी कि जो लकड़ियाँ थी, जो काटे थे और काटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं उन्हें ही वो खाता था। थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट मेड द डॉग एंड द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। अब जो डॉग है, हॉर्स है, वो किस चीज़ से गुस्सा हो गए यानी कि किस चीज़ से उनको गुस्सा आया। द डॉग एंड द हॉर्स एंड द ऑक्स हैड टू डू द एक्स्ट्रा वर्क। अब उन्हें जो काम एक्स्ट्रा करने के लिए दिया गया, क्योंकि कैमल काम नहीं करता था, और उसकी जगह जो काम दिया गया उनको डबल टाइम काम करने के लिए दिया गया। व्हाइल द कैमल डिड नॉट वर्क, क्योंकि काम नहीं करता था कैमल और उनकी जगह उनको काम करना पड़ा। दिस मेड देम एग्री, इस चीज़ से वो गुस्सा हुए। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसमें क्वेश्चन में है, हाउ डिड द जिन नो दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जो जिन है वो यानी कि उसको बुलाते हैं, उस पंचायत करते हैं वो तीनों मिलके और कंप्लेन करते हैं। तो जब वो कंप्लेन करते हैं तो यही क्वेश्चन में कहा गया है कि जिन को कैसे पता लगा कि वो जो कंप्लेन की जा रही है वो कैमल के खिलाफ है। तो आंसर है इसका, द जिन केम टू नो दैट। जो जिन है उसको पता लगा, जो मरुस्थल का जिन है उसको पता लगा, द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। किस वजह से पता लगा या कैसे पता लगा, बाय द वे द हॉर्स कंप्लेन हिम, जैसे हॉर्स ने उसकी शिकायत की उससे। द हॉर्स सेड, हॉर्स कहता है कि देयर वॉज अ थिंग इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, के मिडल में यानी कि डेजर्ट के मिडल में एक कोई जीव है जो विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन है एंड लॉन्ग लेग्स, और लंबी लंबी टांगे हैं, वो है जो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम परेशान हुए हैं, जिसकी वजह से हमें डबल काम करने के लिए दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे। फर्स्टली यू विल राइट क्वेश्चन आंसर एंड लर्न इट ऑल्सो। थैंक यू, गुड बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.